नेशनल टेनिस फेडरेशन एवं ऑल इंडिया टेनिस असो के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ द्वारा बीएसपी टेनिस कॉम्प्लेक्स भिलाई में आईटीएफ जूनियर वर्ल्ड टूर J5 का आयोजन 21 मार्च से 26 मार्च तक किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के मुख्य दौर के मैचेस सोमवार से प्रारंभ हुए, जिसका औपचारिक उद्घाटन सोमवार को किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के सहयोग से आयोजित इस टूर्नामेंट के आईटीएफ सुपरवाइजर प्रवीण कुमार व्हाइट बेज रेफरी हैं, वही टूर्नामेंट कोऑर्डिनेटर रुपेंद्र सिंह चौहान हैं। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के तत्वावधान में छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ द्वारा इस्पात नगरी के सेक्टर 6 सिविक सेंटर के टेनिस कॉम्प्लेक्स में आईटीएफ जूनियर वर्ल्ड टूर J5 टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। टूर्नामेंट डायरेक्टर और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, विधायक देवेंद्र यादव, साथ ही भिलाई स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बान दास गुप्ता यहाँ पर शामिल रहे। इसके बाद सभी अतिथियों ने मैदान में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ और टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा सभी खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए इस आयोजन की सराहना दिल से की, साथ ही उद्देश्य भी बताया। आज आईटीएफ वर्ल्ड कप टेनिस का उद्घाटन हमारे माननीय देवेंद्र यादव जी, विधायक और सीओ भिलाई स्टील प्लांट, और मेरे द्वारा आज किया गया। और पूरे देश के रैंक प्लेयर जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पॉइंट लेके ऊपर अपनी सीढ़ियों के पायदान चढ़ेंगे। सबको मेरी शुभकामनाएं हैं और विशेषकर भिलाई स्टील प्लांट को, यहाँ के पत्रकार साथियों को, मीडिया को और अपनी टीम को, जिन्होंने इतने गर्मी में भी ये बहुत बढ़िया आयोजन कर रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ द्वारा आईटीएफ वर्ल्ड जूनियर टूर J5 भिलाई का आयोजन 21 से 26 मार्च तक किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन हमारे प्रदेश महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने अभी किया है। और इसके साथ ही इस टूर्नामेंट में भारतवर्ष के लगभग सारे रैंक प्लेयर और कुछ भारतीय मूल के विदेशी खिलाड़ी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहरहाल आगामी 26 मार्च को टूर्नामेंट का समापन किया जाएगा, वहीं विजय प्रतिभागी पुरस्कृत भी किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।